आपके साथ साबूदाना के खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही टेस्टी है होती है। तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। साबूदाना की खीर बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में 2 चम्मच घी डालेंगे। फिर एक कटे हुए बादाम है, जिसको थोड़ा मैंने महीन महीन चॉप कर लिया है, इनको हल्के से भून लेंगे। बहुत ज़्यादा रेड नहीं करना है, बहुत हल्का ही ब्राउन रखना है। ये बादाम भुन गए, अब उसी पैन में ये एक बाउल साबूदाना है, जिसको मैंने 3-4 घंटे के लिए भिगो दिया था, उसे हल्का सा भून लेंगे। भूनते समय साबूदाना थोड़ा सा उछलेंगे, उससे ये समझ में आने लगेगा कि थोड़ा थोड़ा सा ब्राउनिश हो रहा है। बहुत ब्राउन नहीं करना है, बस इसका पानी थोड़ा सा सुखाना है और इसका कच्चापन थोड़ा सा निकल जाएगा। साबूदाना हटा लेने के बाद पैन में हमें दूध को गर्म करना है। दूध हमने उससे थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, मतलब एक बाउल साबूदाना है तो करीब 1.5 से 2 बाउल दूध है। उसको अच्छे से खौला लेंगे। जब वो खूब अच्छे से खौलने लगेगा, उसके किनारे किनारे पपड़ियाँ भी पड़ने लगती हैं, फिर हम साबूदाना उसमें डाल देंगे और धीरे धीरे चलाते हुए जो साबूदाना में थोड़ी गुठलियाँ पड़ गई थी भूनते समय, उन सबको अच्छे से मैश कर लेंगे। अब इसमें 2 चम्मच चीनी डाल देंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा या कम मीठा जितना भी खाना है उस हिसाब से चीनी डाल लें। साबूदाना तुरंत ही दूध को सोखने लगता है और ये गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है। अभी बहुत अच्छे से बन के तैयार है। अब लास्ट में हम इसमें इलायची के दाने, उसको डाल देंगे। इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी हो गई है, बाकी तो हल्की और गाढ़ी जैसी भी रखनी है अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। बस अभी साबूदाना की खीर बनकर तैयार है। हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं और ऊपर से जो बादाम भून के रखे थे उससे गार्निश कर देते हैं। इसमें आप पिस्ता भी डाल सकते हो। ये साबूदाना की खीर आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट पढ़ना हमें अच्छा लगता है।